Friends, welcome again in the lecture series on chemical bonding. Okay, and under this we are just studying about the stereochemistry and bonding in the main group compounds. तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में, जहां पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स. और स्पेशली यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं सम सिंपल रिएक्शंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द एटॉमिक इन्वर्जन, एंड इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द बेरी स्यूडो रोटेशन. ओके, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्यूडो रोटेशन. बेरी मीन्स द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस बेरी स्यूडो रोटेशन, एंड स्यूडो रोटेशन मीन्स झूठा रोटेशन. ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिससे आपके समझ में आएगा कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर बेरी स्यूडो रोटेशन होता है और कहां पर ये बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होता है. तो हम ये देखेंगे कि बेरी स्यूडो रोटेशन होता क्या है बच्चों. इट इज द रैपिड इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इन ट्राइगनल पाई पिरामिडल ज्योमेट्री. जनरली ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो कि ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में होती है. और यहां पर जो बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर, वो 3.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है इन केस ऑफ ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, स्पेशली इन केस ऑफ PF5 के केस में ये जो बैरियर है ये 3.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है. ओके, अब हम अगर कुछ मॉलिक्यूल्स को देखें, जैसे PF5 है, PF4Cl है, PF3Cl2 है, PF4CH3 है, VF5, FeCO5, HCOCO4, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये क्या होता है यहां पर. सबके केस में तो नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन अगर इन जहां पर फ्लोरीन है उनके केस में अगर आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम F19FNMR देखें तो वहां पर जो पीक्स हैं इक्विटोरियल और एक्सियल फ्लोरीन की, वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती हैं, वो पहचान में नहीं आती. ऐसे ही ये जो कार्बोनिल है और ये जो कार्बोनिल है, ये भी क्या बिहेवियर शो करते हैं, स्यूडो रोटेशन का बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम फ्लेक्सियोनिलिटी भी कहते हैं. तो इनके केस में क्या होता है बच्चों, अगर हम इनका एनएमआर लेंगे तो एनएमआर लेने पर हमें क्या मिलेगा कि जो इसमें अगर आप ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आपको याद होगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहां पर आप जानते हैं कि दो क्या होती है एक्सियल पोजीशन और तीन होती है इक्विटोरियल पोजीशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये एक्सियल पोजीशन है. ओके, और यहां पर तीन क्या है बच्चों, ये एक्सियल पोजीशन है और तीन क्या है इक्विटोरियल पोजीशन है. तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एक्सियल पोजीशन पर जो फ्लोरीन एटम है और जो इक्विटोरियल पोजीशन पर जो फ्लोरीन एटम है, इनका केमिकल एनवायरमेंट अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, इतनी फास्ट एक्सचेंज होती है कि जो इक्विटोरियल और एक्सियल जो फ्लोरीन एटम होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करना कठिन होता है. तो इस तरीके का जो रीअरेंजमेंट है इंट्रामोलिक्यूलर, उसको हम कहते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन. और ये जो स्यूडो रोटेशन है वो कन्वर्जन थ्रू स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट होता है. तो एक ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री किसमें कन्वर्ट होती है, स्क्वायर पिरामिडल में, और फिर वो किसमें कन्वर्ट होती है, ट्राइगनल बाई पिरामिडल में. और इस दौरान क्या होगा, कंप्लीट इंटरचेंज ऑफ इक्विटोरियल एंड एक्सियल फ्लोरीन एटम्स. तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट इंटरचेंज होगा इक्विटोरियल एंड एक्सियल फ्लोरीन एटम्स का. और ये इसकी वजह है कि ये फटाफट जो एक्सचेंज होते हैं तो ये एक से ही दिखाई देते हैं एनएमआर में, इतनी जल्दी होता है कि एनएमआर इन दोनों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, एक्सियल फ्लोरीन को और इक्विटोरियल फ्लोरीन को. और अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें तो हाँ, कम टेम्परेचर पर जो एक्सचेंज हो रहा था वो स्लो हो जाता है, और उस समय फिर हम एक्सियल और इक्विटोरियल फ्लोरीन एटम्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये बेरी स्यूडो रोटेशन कहला रहा है, मॉलिक्यूल में फ्लक्सिनलिटी कहला रही है, जनरली ये ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में देखने को मिलती है. ओके, दिस बेरी स्यूडो रोटेशन ऑल्सो नो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नो बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस. तो जनरली बेरी स्यूडो रोटेशन में भी कोई ना तो बॉन्ड बनता है और ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होता है. वी सी द केस ऑफ
PF5। अगर हम बच्चों PF5 का केस देखें तो PF5 के केस में अगर हम NMR देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, NMR में ये देखिए एक डबलेट मिलेगा जो कि ये दिखा रहा है कि सारी फ्लोरीन क्या है, एक सी है। और अगर इसको हम क्या करें बच्चों, अगर हम इसको -82 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको ले जाएं यानी कम कर दें तो जो उसका एक्सचेंज बिहेवियर था वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो होने से क्या होगा कि इस जो स्पेक्ट्रा है उसमें हमें दो तो क्वार्टेट मिलते हैं जो कि फ्लोरीन के होते हैं, एक्सियल फ्लोरीन के, और दो क्या मिलते हैं, ट्रिपलेट जो कि इक्वेटोरियल फ्लोरीन के होते हैं। तरीके से बच्चों आप देखेंगे कि ये यहां पर क्वार्टेट, देखिए दो क्वार्टेट क्योंकि दो फ्लोरीन एटम है, और देखिए यहां पर ट्रिपलेट मिलेंगे इक्वेटोरियल के, तो ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों कि ये जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो बेरी सीडो रोटेशन कम हो जाएगा और इसलिए डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ये सारे के सारे फ्लोरीन एटम एक से हैं क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, बेरी सीडो रोटेशन करते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, देखिए फास्फोरस, ये जो आपको दिख रहे हैं 3 फ्लोरीन, यानी ये आप देख सकते हैं बच्चों ये 1, 2 एंड 3, ये जो 3 फ्लोरीन एटम्स हैं ये इक्वेटोरियल। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो इक्वेटोरियल जो फ्लोरीन है वो इस तरीके से मूव करेंगी और एक्सियल इस तरीके से मूव करेंगी, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एफ जो है वो इस ओर को चला जाएगा और 2 जो है वो इस ओर को, जो इक्वेटोरियल है वो इस ओर जाएगा, जो एक्सियल है वो उस ओर जाएगा। तो इससे आप देखिए इस तरीके की एक रचना हमें मिलेगी कि ये वाला जो एफ है, देखिए ये F5 है, ठीक है, ये देखिए F5 जो कि एक्सियल था, और जो F2 था ये नजदीक आ गए, देखिए F2, और ये इधर गया और एक्सियल इधर आया, तो F3 एंड F4 नजदीक आ गए। तो इस ज्योमेट्री को अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये कैसी ज्योमेट्री है, देखिए ये ज्योमेट्री है कुछ स्क्वायर पिरामिडल टाइप की, तो देखिए ये है ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, देन ये आ गया स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, और ये फिर से क्या आ गई, ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, जहां पर आप देखेंगे ये जो एक्सियल था वो इधर मूव कर जाएगा और जो ये इक्वेटोरियल था वो इधर मूव कर जाएगा। तो अब देखिए जहां पर F2 था वहां पर F5 आ गया, और जहां F5 था वहां पर क्या आ गया, F2। तो आप देख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर ये F2 और F3 आ चुके हैं, और ये जो एक्सियल पर थे, देखिए एक्सियल पे कौन सा था, 4 एंड 5, तो ये इक्वेटोरियल पोजिशन पर आ गए हैं। अब आप इस पोजिशन को देख सकते हैं, देखिए ये इक्वेटोरियल पोजिशन है बच्चों, तो इक्वेटोरियल पोजिशन पर 4 एंड 5 आ गए जो पहले कहां थे, एक्सियल पर थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इंडिस्ट्री डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए ये एक पीक देता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बेरी सीडो रोटेशन, जहां पर आप देख रहे हैं ये इंटर कन्वर्जन है, इस ट्राइगनल पाई पिरामिडल एक जो एक ज्योमेट्री है जो कि स्क्वायर पिरामिडल है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसके थ्रू फिर अगेन इट कन्वर्टेड इंटू अनदर ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, जहां पर आप देख रहे हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल एटम्स की जो पोजिशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मैं आपको शो कर रही हूँ बच्चों, देखिए ये जो एटम्स हैं ये इक्वेटोरियल है, ई लिखा हुआ है, और ये जो एटम्स हैं ये एक्सियल है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये डायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो ये मूव करेंगे, ये यहां मूव करेंगे और इक्वेटोरियल एक्सियल की ओर को, एक्सियल इक्वेटोरियल की ओर को, इस तरीके से एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, जो इक्वेटोरियल है, देखिए ये इक्वेटोरियल जो है वो मूव कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पे, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो इक्वेटोरियल थे वो अब एक्सियल पोजीशन पर आ गए हैं, और ये जो पोजीशन है बच्चों ये क्या है, प्लेनर पोजीशन आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल थे वो अब क्या हो गए हैं, इक्वेटोरियल हो गए। देखिए ये जो इक्वेटोरियल जो एक्सियल हो गए हैं वो एक हमारी ओर है और एक हमसे
से दूर है। तो ये एक्सियल पोजीशन है इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। तो इस तरीके से बेरी स्यूडो रोटेशन होता है। अगेन आई विल शो यू अ 3D मॉडल हाउ दिस फ्लेक्सिबिलिटी इट केम्स टू द मॉलिक्यूल। कैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है मॉलिक्यूल में, ये मैं आपको एक मॉडल के थ्रू फिर से दिखा रही हूँ 3D मॉडल के थ्रू। तो अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो बच्चों देखिए, ये जो है ये देखिए, ये ये क्या है, देखिए इक्विटोरियल, ये तीन पोजीशंस इक्विटोरियल है, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, आई विल क्लोज। सो ये इक्विटोरियल मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप देख एटम्स या ग्रुप्स हैं, और ये ग्रुप्स क्या है बच्चों, एक्सियल ग्रुप्स हैं। अब देखिए किस तरीके से ये होता है, ये देखिए ये आ गए इक्विटोरियल पोजिशन पर, ये एक्सियल पर, ये इक्विटोरियल पर, और ये जो इक्विटोरियल थे वो कहाँ आ गए, देखिए एक्सियल पोजिशन पर, ये पोजीशन आप देखिए, ये जो एक्सियल पर थे ये कहाँ आ गए, इक्विटोरियल पर, और ये जो मॉलिक्यूल जो आगे पीछे हैं ये कहाँ चले गए, एक्सियल पोजीशन पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब क्या आप इस फ्लोरीन को और इस फ्लोरीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक्सियल पर थी ये अब कहाँ गई, इक्विटोरियल पोजिशन पर, अब ये कहाँ चले गई, एक्सियल पोजिशन पर, अब ये कहाँ चले गई, इक्विटोरियल पोजिशन पर। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन एटम्स क्या हो जाएंगे, इट्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे। तो इसलिए एनएमआर में एक सिग्नल आता है, और जैसे ही हम इसको स्लो करेंगे यानी टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। तो ये जो एक्सियल है ये अपनी जगह पर है, और जो इक्विटोरियल है वो अपनी जगह पर है, इसलिए इक्विटोरियल के सिग्नल आएंगे ट्रिपलेट, और जो एक्सियल होंगे उनके सिग्नल क्या आएंगे, क्वार्टरेट की फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। तो ये जो आपने देखे 5 कोऑर्डिनेटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें की क्या होता रहता है, फ्लक्सिबिलिटी ये शो करते हैं, बेरी स्यूडो रोटेशन शो करते हैं, जहां पर एक्सियल और इक्विटोरियल की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपको दिखाया PF5 मॉलिक्यूल, अब मैं आपको दिखा रही हूं PF4Cl। तो एक हमने क्या करा बच्चों, एक F को हमने Cl से रिप्लेस कर दिया, ओके। तो अब हम इसको जब ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है, आपने बेंट रूल पढ़ा है, जो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोरीन होते हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और बाकी जो फ्लोरीन सेंटर हैं वो कहाँ आ जाएंगे, ग्रुप्स, वो आ जाएंगे इक्विटोरियल पोजिशन पर, और एक क्या आ जाएगा, ये Cl। अगर हम Cl और F को देखें बच्चों, तो इनमें जो Cl का साइज है वो बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में होती है, ओके। तो अब आप देखिए क्या इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन होगा या नहीं होगा। तो इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन पॉसिबल है बच्चों, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये Cl इस पोजीशन पर आ जाए और हम इन फ्लोरीन को नंबर दें, इसको 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, या हम इनको अलग कलर से इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो फ्लक्सिबिलिटी होगी उसमें क्या होगा कि ये यहां मूव करेगा और ये जो फ्लोरीन एटम हो यहां मूव करेगा, ये इक्विटोरियल वाला मूव करेगा, एक्सियल वाला मूव करेगा। तो जब ये मूव करेंगे बच्चों तो क्या होगा, एक 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 इसकी स्टेट आएगी जो कि ट्रांजिशन स्टेट होगी, जहां पर आप देखेंगे ये एफ एक्सियल और ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल और ये इक्विटोरियल और ये Cl, ओके। अब हम अगर देखें तो ये जो फ्लोरीन है वो कौन से फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है बच्चों जो कि मूव कर रहे थे, ये कहाँ मूव कर रहे थे, सॉरी ये फ्लोरीन सेंटर है, अगर हम इसको देखें वो फ्लोरीन सेंटर है जो मूव कर रहे थे एक्सियल की ओर, ओके। और ये इनका नंबर हमने दिया था, ये 4 था, ये 5 था, ये 1 था और ये 2 था। अब इसके साथ ही क्या हुआ कि फिर से इसमें स्यूडो रोटेशन, ये ट्रांजिशन स्टेट आई, देन स्यूडो रोटेशन होगा, तो ये जो है ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेंगे, ये स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री थी। और अब अगर आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये फिर से हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जहां पर हम देखेंगे जो एक्सियल की जो फ्लोरीन थी वो इक्विटोरियल में चली गई और जो इक्विटोरियल की फ्लोरीन थी वो एक्सियल में चली गई। तो ये फ्लोरीन जो है वो क्या है, जो एक्सियल जो इक्विटोरियल वाली थी, ओके। तो इनका नंबर क्या था, ये 4-3, ये 3-3 और ये क्या थी, 1-3 और ये 2-3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीट स्क्रैम्बलिंग हो गई फ्लोरीन जो कि एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन पर थे। तो ये Cl को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, इसलिए जो है वो Cl यहीं पर रहा, ओके। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे बच्चों, एक फ्लोरीन को और रिप्लेस करेंगे सीएल से और ये क्या हो जाएगा PF3Cl2। अब हमें ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल में स्यूडो रोटेशन होगा, तो इसको हम चेक करते हैं। हाँ, इसमें स्यूडो रोटेशन होता है, इसमें स्यूडो रोटेशन होता है क्योंकि जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन की जो वैलेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसमें डिफरेंस है, बट उसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन तो पहले कहाँ चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर चला जाएगा, बाकी एटम्स को हम इक्विटोरियल पोजीशन पर अरेंज कर देंगे। तो ये जो फ्लोरीन है बच्चों, ये जो फ्लोरीन है ये इस क्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक्सियल पोजीशन पर आ सकती है। तो यहां पर भी क्या होता है, जो बेरी स्यूडो रोटेशन है होता है। लेकिन अगर हम ये सीएल ग्रुप्स को बढ़ाते जाए, जैसे अगर हम इसको PF2Cl3 कर दें, तो जैसे जैसे हम सीएल बढ़ाएंगे तो वी आर इंक्रीजिंग द बल्की ग्रुप्स, तो हम बल्की ग्रुप्स को बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही बल्की ग्रुप बढ़ाएंगे तो यहां पर स्यूडो रोटेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो रोटेट करने में उन्हें दिक्कत होगी। इसलिए ये जो जैसे जैसे हम सीएल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे इसमें स्यूडो रोटेशन नहीं होगा। अगर हम एक और एफ को रिप्लेस कर दें, यानी इसको PFCl4 बना दे, तो अगेन इसमें भी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सीएल और इंक्रीज कर दिए जो कि बल्की ग्रुप्स हैं। और अगर हम इसको PCl5 में कन्वर्ट कर दें, तो इसमें तो स्यूडो रोटेशन नहीं होगा, सारे बल्की ग्रुप हैं, और यानी एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पर ये स्यूडो रोटेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इट डिकम्पोजेज, ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और ये PCl3 एंड Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ये Cl जो कि एक्सियल पोजिशन पर होती हैं वो क्योंकि वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती हैं इसलिए ये अलग हो जाती हैं। तो PCl5 बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमने दो सीएल तक रिप्लेस किए तो यहां पर बेरी स्यूडो रोटेशन होगा, लेकिन जैसे ही हमने थर्ड क्लोरीन को रिप्लेस किया फ्लोरीन से तो फिर स्यूडो रोटेशन नहीं होता है, एंड PCl5 में भी नहीं होता है, एंड PBr5 में भी नहीं होता है, PI5 में भी नहीं होता है, इनमें स्यूडो रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो हायर टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं और इनमें क्या नहीं होगा, स्यूडो रोटेशन नहीं होगा। स्यूडो रोटेशन किसमें होगा, जहां पर जो ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, लाइटर होंगे। We will see another examples where we will replace the fluorine of PF5 with CH3. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो फ्लोरीन है उसको CH3 से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके? इस तरीके के मॉलिक्यूल्स। अब लेट्स सी क्या इन मॉलिक्यूल्स में स्यूडो रोटेशन होगा या नहीं होगा। तो ये आप देखिए, इसमें मैंने एक फ्लोरीन को CH3 से रिप्लेस किया, यहाँ पर मैंने दो फ्लोरीन को CH3 से रिप्लेस किया, फिर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर मैंने तीन मिथाइल ग्रुप से इसको रिप्लेस किया फ्लोरीन को, देन मैंने एक और फ्लोरीन ग्रुप को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया और यहाँ पर 4 हो गया, देन मैंने सारे रिप्लेस कर दिया और ये हो गया CH3 5। तो क्या ये बेरी स्यूडो रोटेशन शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें बच्चों, तो देखिए अब आप जानते हैं कि जो फ्लोरीन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एक्सियल पोजीशन पर, और जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं बच्चों, बल्की ग्रुप्स दे गोज टू द इक्विटोरियल पोजीशन। बल्की ग्रुप हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डबल बॉन्ड हो, ये तीनों कहाँ चले जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो इस तरीके से अगर ये सेट होगा, तो अगर हम कहें कि ये एक्सियल हैं, ओके, फ्लोरीन सेंटर्स, और ये जो फ्लोरीन सेंटर्स हैं ये इक्विटोरियल है जो मैंने ब्लू से दिखाए हैं, तो इसमें यस बेरी स्यूडो रोटेशन आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन के बीच में ही क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो हमको क्या होगा बच्चों, ये इस तरीके का मॉलिक्यूल फाइनली हमें जो मिलेगा वो उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी कि फ्लोरीन एक्सचेंज तो होंगे,
लेकिन आप देखिए कि वो कैसे एक्सचेंज हो गए, जो एक्सियल पर थे वो इक्विटोरियल पर चले जाएंगे और जो इक्विटोरियल पर थे वो एक्सियल पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर बेरी स्यूडो रोटेशन हो रहा है क्योंकि CH3 जो बल्कि ग्रुप है वो अपनी जगह पर है, तो और बाकी जो फ्लोरीन एटम्स हैं दे कैन इजीली एक्सचेंज। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या PF3CH3 होल ट्वाइस में स्यूडो रोटेशन होगा या नहीं होगा। एग्जांपल में लिख रही हूं, वो लिख रही हूं PF3CH3 होल ट्वाइस। तो हमने क्या किया बच्चों, देखिए बल्की ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया F को। तो अगर हम यहां पर इसकी ज्योमेट्री बनाए तो ये P है, F जो है वो कहां चला गया, वो चला गया एक्सियल पोजीशन पर, ये F है, एक CH3 यहां है और एक CH3 यहां है। तो अब आप बताइए इसमें बेरी स्यूडो रोटेशन होगा या नहीं होगा, क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल है या नहीं है। अगर हम इसमें एक्सचेंज पॉसिबल होता तो क्या होता बच्चों कि ये पी और यहां पर देखिए एफ चला जाता। अगर मैं इसको एक अलग कलर से इसको दिखाऊं, ये एफ ठीक है और ये CH3, ये दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पर है। अगर इसमें एक्सचेंज होता तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता। ओके, और अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें बनता, देखिए ये बन जाता। अब आप ये बताइए मुझे कि ये जो फ्लोरीन है ये जो इक्विटोरियल पर थी ये एक्सियल पर चली जाती अगर इसमें पेरी स्यूडो रोटेशन होता। तो अब आप देखिए अगर ये स्ट्रक्चर आता तो यहाँ पर CH3 को एक्सियल पोजीशन पर आना पड़ा। ये एक बल्की ग्रुप है जो कि एक्सियल पोजीशन पर नहीं आता है, ये हमेशा कहाँ रहता है, इक्विटोरियल पोजिशन पर रहता है। और आप देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो जो कहाँ चला गया, इक्विटोरियल पोजिशन पर, जबकि यहाँ पर एस रिच ऑर्बिटल होते हैं। तो क्या ये यहां जा सकता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कहां जाता है, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर, जो कि पी रिच होता है, एस रिच नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। और यहां पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फैक्टर के थ्रू, दैट इज एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी मीन्स एपिको, एपिको मीन्स जो एपिकल पोजीशन होती है ट्राइगनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में, उसको प्रिफर करना, उसको अगर कोई प्रिफर करे तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं एपिकोफिलिसिटी। तो ये किसकी होती है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं उनकी एपिकोफिलिसिटी अधिक होती है, हाई होती है। जो जो लेस बल्कियर होते हैं उनकी एपिकोफिलिसिटी अधिक होती है। मतलब ये जो एपिकल पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन होती है, इस पर कौन आना चाहता है? इस पर आना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर जो छोटी एटम होंगे। क्यों आना चाहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि पी के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, यहाँ पर PZ(dZ)2। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एस करेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर एस करेक्टर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पी रिच ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाना चाहते हैं। तो जो एपिकोफिलिसिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की अधिक होती है और स्मॉल एटम्स की अधिक होती है। अगर बल्कियर ग्रुप होंगे तो वो एपिकल पोजीशन पर कभी भी नहीं जाना चाहेंगे, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर जाना चाहते हैं। तो इनकी एपिकोफिलिसिटी कम होती है और इनकी एपिकोफिलिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में बच्चों वेरी स्यूडो रोटेशन नहीं होगा क्योंकि अधिक बल्कियर ग्रुप कहाँ आ जा रहा है, एक्सियल पोजीशन पर, और ये पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा कहाँ रहना चाहेगा? ये हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर रहना चाहेगा, इसलिए इस मॉलिक्यूल में बेरी स्यूडो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लाइकवाइज अगर हम अदर एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे PF2CH3 होल थ्राइस, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि बल्कियर ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम PF
CH3 whole 4 कहेंगे तो बिल्कुल सीडो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बल्कियर ग्रुप्स को ऐड करते जा रहे हैं। और अगर हमसे कोई कहे कि क्या यहाँ पर पेरिसीडो रोटेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि ये भी बल्कियर ग्रुप्स इसमें है, तो ये सीडो रोटेशन नहीं कर पाएंगे। तो सीडो रोटेशन जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो डिफरेंस बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और बल्कियर ग्रुप्स अगर ऐड होते जाएंगे तो वो एपिकल पोजीशन पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बेरी सीडो रोटेशन में क्या होता है कि जो इक्विटोरियल होते हैं वो एपिकल पोजीशन पर जाते हैं, और जो एपिकल पोजीशन के जो एटम्स हैं वो कहाँ चला जाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो इसलिए ये जो बल्कियर ग्रुप्स हैं दे डू नॉट प्रिफर दी एपिकल और दी एक्सियल पोजिशन ऑफ द ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सो दिस काइंड ऑफ सीडो रोटेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। एपिकोफिलिसिटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव और लाइट सब्स्टिट्यूएंट टू प्रिफर द एपिकल और एक्सियल पोजीशन इन अवर ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो एक ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या लाइट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एपिकल पोजीशन को प्रिफर करते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एपिकोफिलिसिटी, और इस यानी एपिकल पोजीशन को प्यार करना उसको हम कहते हैं एपिकोफिलिसिटी। तो ये स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनकी एपिकोफिलिसिटी हाई होती है, इसलिए आप देखेंगे जो Cl है वो एपिकल पोजीशन पर जा सकता है, लेकिन CH3 जो है वो एपिकल पोजीशन पर नहीं जा सकता, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है इसमें सीडो रोटेशन नहीं होगा, जबकि इस मॉलिक्यूल में सीडो रोटेशन हो सकता है। ओके, तो बल्कि ग्रुप जो होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होंगे, पाई बॉन्डिंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे, दे हैव लो एपिकोफिलिसिटी। To the example where the molecule is XY4 type, while the hybridization on this central atom is sp3d, so that the geometry should be trigonal bipyramidal. अब हम एक ऐसा molecule देख रहे हैं बच्चों जहां पर XY4 type का molecule है, लेकिन hybridization अभी भी क्या है, sp3d है, SF4 में SF के ऊपर S के ऊपर, और यहां पर अगर आप देखेंगे कि 6 यानी रूम टेम्परेचर पर इसमें एक पीक आती है, मतलब सारे के सारे जो फ्लोरीन है दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जबकि 60 डिग्री से नीचे क्या होगा, एक डबलेट मिलता है एक्सियल फ्लोरीन के लिए एंड वन ट्रिपलेट मिलता है इक्विटोरियल फ्लोरीन्स के लिए। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होता है, इसमें फ्लक्सियनल बिहेवियर शो करता है, यहाँ पर रोटेशन होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो फ्लोरीन सेंटर्स हैं बच्चों वो कहाँ पर हैं, दो तो इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं और एक जो है वो कहाँ है, सॉरी दो कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पर, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है कहाँ, इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं डाल सकता। अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर सीडो रोटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको अगर हम इस तरीके से दिखाएं बच्चों, तो यहाँ पर ये एक अगर रोटेशन होगा तो इस तरीके का मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आप देखें कि जो एक्सियल थे वो इक्विटोरियल पोजीशन पर चले गए फ्लोरीन, जो इस यहां पर हम एग्जैक्टली पोजीशन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखें इसमें फ्लक्सियनल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहां पर आप देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, जैसे PCl जो PF4CH3 था वहां पर, यहां पर CH3 था और यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके बीच में एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है। ओके, तो जब ये एक्सचेंज पॉसिबल है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्विटोरियल पोजीशन को ही क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इस केस में जो सीडो रोटेशन है वो पॉसिबल है, या हम इसको कह सकते हैं इसमें फ्लक्सियोनलिटी है इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो वो अपनी इक्विटोरियल पोजीशन को बनाए हुए है। अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल को देखें बच्चों जो कि XY3 टाइप है और X पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगेन sp3d, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए X है, तो उस केस में Y जो है वो दो आप देख सकते हैं, आपने टी शेप पढ़ा है, इस केस में ये जो है टी शेप है, और यहां पर आपने देखे जो इक्विटोरियल पोजिशन है वहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों अगर यहां पर क्या हो रहा होता, अगर यहां पर 0
रोटेशन हो रहा होता तो फिर क्या स्थिति होती? तो यहाँ पर ये स्थिति होती कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ मूव करता और ये यहाँ मूव करते, तो उसकी वजह से क्या होता बच्चों कि ये जो हमें ज्योमेट्री मिलती कुछ इस तरीके की मिलती कि यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते, ओके, और जो वाई है वो यहाँ पर आ जाता, ओके, ये वाई यहाँ पर आ जाता। ये वाई जो है अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अब आप ये बताइए क्या ये पॉसिबल है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आ जाए? यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर। आप जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर स्पेस, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर नहीं आ सकते, तो ये यहाँ पर नहीं रहना चाहेंगे बच्चों एक्सियल पोजिशन पर। ये कहाँ रहना चाहते हैं? इक्विटोरियल पोजिशन पर। तो ये यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए इस टाइप के मॉलिक्यूल में इस तरीके का रोटेशन नहीं होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ पाए इस एक्सियल पोजीशन पर। दे आर नॉट एपिकल पोजीशन लविंग ग्रुप्स, ये लविंग ग्रुप्स नहीं है, इसलिए ये इक्विटोरियल पोजीशन पर रहना चाहेंगे और इसमें सीडो रोटेशन नहीं होगा। बच्चों आपने देखा कि जो बेरी सीडो रोटेशन है वो कहाँ पर होता है? वो होता है जहां पर क्या होंगे जो ग्रुप्स होंगे। एक तो आपने देखा कि ये जो है ये जो एक्स वाई फाइव टाइप के मॉलिक्यूल में आपने देखा, आपने एक्स वाई फोर टाइप के मॉलिक्यूल में देखा जहां पर एक्स पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो वहां पर आपने सीडो रोटेशन देखा। दूसरा आपने देखा जो वाई है ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है अगर, तो आसानी से होगा स्यूडो रोटेशन और ये लाइटर एलिमेंट है तो क्या होगा, ये स्यूडो रोटेशन आसानी से होगा। और जैसे जैसे बच्चों हम यहाँ पर जो बल्कियर ग्रुप्स ऐड करते जाएंगे, तो आप देखेंगे या आप कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स को ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे स्यूडो रोटेशन जो है वो रुक जाएगा, नहीं होगा। एक्स वाई फोर में भी स्यूडो रोटेशन होता है, जैसे आपने देखा ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं PF4Cl है या PF4CH3 है, इन दोनों में ही सीडो रोटेशन होता है। ये जो Cl है और जो CH3 है उसकी जगह पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी सीडो रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप्स की ओर ऐड करेंगे वैसे वैसे सीडो रोटेशन कम होगा, बिकॉज बल्कियर ग्रुप्स दे डू नॉट प्रिफर दी एपिकल पोजिशन, यानी एक्सियल पोजिशन को बल्कियर ग्रुप्स प्रिफर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप प्रिफर नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर स्यूडो रोटेशन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेरी स्यूडो रोटेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शोन बाय द कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।